नमस्कार मित्रों, आयोलिंक की वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। वैद्य श्री पैरक्षा साहब की प्रेरणा से ये लाइव आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हाइपरटेंशन के बारे में कुछ जानने की चेष्टा करेंगे। हाइपरटेंशन जो पी और कंसल्टेंट के चैम्बर में आने वाले हर एक मरीज की पहली ख्वाहिश होती है कि उनका प्रेशर नापा जाए और फिर दवाई दी जाए। मेरे जैसे कोई कोई जीपी नहीं भी नापते तो मरीज आग्रहवश नापवाने की जीत करते। वास्तव में हाइपरटेंशन क्या चीज़ है उसके बारे में कुछ सोच विचार करते हैं। हाइपरटेंशन को उच्च रक्तदाब ऐसा हिंदी नाम दिया गया है। ब्लड प्रेशर के माध्यम से भी अपन जानते हैं। 50 साल की उम्र के बाद आर्टियोस्क्लेरोसिस या आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से हाइपरटेंशन की परेशानी शरीर के अंदर पैदा हो सकती है। 20% मृत्यु का कारण हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन की वजह से छोटी छोटी नलियां ब्रेक हो जाती है जिससे ब्रेन, हार्ट और किडनी के फंक्शन फेलियर होते हैं और फेटल कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एलोपैथी का अभिगम नापने का है, इसलिए वो साधनों के आविष्कार करते रहते हैं। 1881 में स्फेग्मोमैनोमीटर यानी कि बीपी अपरेटस की साधन की शोध हुई। 1981 में यानी कि ठीक 100 साल बाद फुल्ली ऑपरेटर, बैटरी ऑपरेटर आज जो मिल रहे वैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट की शोध हुई। 1905 के अंदर डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सभी लोग जानते हैं कि हृदय जो है वो पूरे बदन को घुमाता रहता है। नलियाँ जो है उसमें से छोटी छोटी नलियाँ बनती है और पूरे बदन में फैलती रहती है। पैर के अंगूठे से लेके सिर के बाल तक सिरा या धमनियों का जाला फैला हुआ होता है। हृदय के अंदर से हृदय जब संकुचित होता है तो ब्लड का फ्लो बड़ी नलियों के माध्यम से, छोटी नलियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता रहता है। अब ये जो नलियाँ है उसमें हृदय से शरीर की तरफ जाने वाली नलियों को धमनियाँ आरटीओ बोलती है। आर्टरीज जो होती है, बड़ी आर्टरी जो होती है, इसके अंदर स्थितिस्थापकता या इलास्टिसिटी होती है और उसकी शाखाएँ या ब्रांचेस जिसमें मध्यम पड़ में या मस्कुलर लेयर जो होता है उसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है, वो थोड़ा कड़ापन रखते हैं। तो एक बार हृदय जब संकुचाता है तो पूरा ब्लड फ्लो पूरे बदन में फैलता है और वापस रिकॉइल होके जब हृदय विश्राम अवस्था में होता है तब वो हृदय में परत आता है। तो ये जो रिकॉइल होता है उस टाइम छोटी नलियों के अंदर थोड़ा सा टेंशन या दबाव बना रहता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंट की वजह से उसके अंदर एक दबाव बनता है जिसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं 120/80 प्रेशर को नॉर्मल करार दिया गया है। क्यों करार दिया गया है या स्फेग्मोमैनोमीटर की शोध करने का तात्पर्य क्या था, आज तक मेरे को तो पढ़ने में मिला नहीं है। फिलहाल 130/90 माइल्ड, इसके बाद दोनों तरफ से 20 और 10 बढ़ाते बढ़ाते मॉडरेट और सीवियर और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन डॉक्टरों की भाषा में जाना जाता है, उसकी विविध चिकित्सा की जाती है। आइए अब थोड़ा सा धमनियों के बारे में जान ले। बड़ी धमनियों में जैसे पहले बताया वैसे इलास्टिसिटी होती है, ब्लड फ्लो पास होने के बाद वो धमनियाँ वापस सिकुड़ जाती है। पर छोटी धमनियाँ जो होती है उसका मासमय स्तर यानी कि मस्कुलर लेयर जो बीच में होता है उसके अंदर निरंतर सतत एक प्रेशर बना रहता है और वही प्रेशर और वहाँ से पास होने वाला ब्लड दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है वही डायस्टोलिक प्रेशर का एक कारण बनता है। और ये धमनियाँ जो होती है उसके ऊपर दिमाग में जो मेड्यूला होता है और वासोमोटर सेंटर होता है उसका कंट्रोल होता है। मेड्यूला और वासोमोटर सेंटर से जो भी मतलब तरंगे पसार होती है वो सिंपेथेटिक गैंग्लिया में आती है और अपना जो करोड़रज्जू यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। एक और बात है, हाइपोथैलेमस यानी कि फ्रंटल लॉब, हाइपोथैलेमस और फ्रंटल लॉब दोनों जो होते हैं वो भी ये जो सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम होती है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। जब व्यक्ति भाव, लागणियाँ और इमोशन के प्रति अति आवेशपूर्ण हो जाता है तब ये जो फ्रंटल लॉब में जो विविध सेंटर्स होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, उसके परिणाम जो सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम होता है उत्तेजित हो जाता है। जो बंदे व्यायामशील नहीं है, चिंता करते रहते हैं, चिंतनशील होते हैं, उनके अंदर ये सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम होता है हमेशा उत्तेजित रहता है जिसकी वजह से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी रहती है या होने की संभावना होती है। इसके विरुद्ध में पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम जो उत्तेजित हुई सिंपेथेटिक सिस्टम होती है उसको कंट्रोल में कर रहती है।
जो व्यक्ति सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम में उनके उत्तेजित होते रहते हैं, वो व्यक्ति अगर व्यायाम करना शुरू कर दे, ध्यान मेडिसिन वगैरह चालू कर दे, तो उसका पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, तो उसको बिना दवाई हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये थोड़ा सा विज्ञान मैंने आपको बताया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गई बात हृदय की और मस्तिष्क की। दो और अवयव है, किडनी और लीवर। किडनी के अंदर रेनिन नामक एक एंजाइम होता है और लीवर के अंदर अल्फा ग्लोब्यूमिन नामक एक एंजाइम होता है। माना जाता है कि ये दो एंजाइम जो होते हैं उनकी असर भी हाइपरटेंसिव कैरेक्टर के लिए या फिर हाइपरटेंशन जो बंदे होते हैं उनमें दिखाई देती है। हालांकि अभी जो नए रिसर्च हुए हैं उसमें ये बात पूरी तरह से सिद्ध नहीं की जा सकी है। तो दो अवयव और है, किडनी और लीवर। इसकी अपनी अपनी परेशानियों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब रेनिन अंतःस्राव जो है किडनी के अंदर पैदा होता है, अगर किडनी की रक्तवाहिनियों में प्रेशर कम होता है तो ब्लड के अंदर जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर लवण, विविध जो सॉल्ट्स होते हैं वो रीऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं अगर प्रेशर कम हुआ। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए रेनिन एंजाइम एक्टिव हो जाता है। अगर अधिक एक्टिव होता है तो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। माना जाता है कि लीवर के अंदर कोलेस्टेरॉल बनता है। कोलेस्टेरॉल के अलग अलग प्रकार होते हैं। आप सभी जानते हैं कि LDL कोलेस्टेरॉल जो है वो शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो धमनिया के जो मांसमय स्तर है, मस्कुलर लेयर्स है, इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। नतीजन ये होता है कि उसका जो डायमीटर छोटा हो जाता है। पहले से धमनिया और उसके अंदर प्रसार होने वाला ब्लड जो होता है उसके बीच में संघर्ष तो चल ही रहा होता है, और ये परेशानी LDL बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे फैट स्टोरेज होती है और डायमीटर कम हो जाता है। नतीजा ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। तो लीवर भी एक लीवर का जो कोलेस्टेरॉल जो होता है उसके अंदर LDL कोलेस्टेरॉल जो होता है वो ये हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण होता है। साथ ही में अपन देख लेते हैं कि किडनी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो मेद धातु, आम भाषा में अपन इसको फैट या चर्बी बोल सकते हैं, तो उसका मेटाबॉलिज्म आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से किडनी में होता है या किडनी उसके ऊपर प्रभावी रूप से हावी होती है। जब अपना बदन या अपने खुराक के अंदर प्रोटीन और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है या फिर अपना बदन या शरीर जो होता है जो प्रोटीन और सोडियम का मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से नहीं कर पाता है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। अभी अपन कंक्लूजन करते हैं, तो पांच कारण ऐसे हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें सबसे पहले कारण जो होता है वो मानसिक आवेग होता है या मस्तिष्क की वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी चर्चा हमने आगे कर ली। क्योंकि जो फ्रंटल लॉब होता है वो अपने भावों को नियंत्रित करता है तो उसकी सीधी असर हाई ब्लड प्रेशर पे होती है। एक बंदा घबराहट में आपके पास आता है, आप उसका ब्लड प्रेशर मापते हो थोड़ा ज़्यादा होता है, जब उसको रिलैक्सेशन दिलवा देते हो, आश्वासन दिलवा देते हो, बेड पे लिटा देते हो, एसी वगैरह चालू कर देते हो, तो थोड़ी देर में उसका ब्लड प्रेशर गिर के नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये सीधी बात है कि मन या मस्तिष्क का सीधा असर हाई ब्लड प्रेशर पर होता है। इसके बाद हृदय, किडनी और लीवर, इनके जो फंक्शन होता है इसमें किसी वजह से परेशानियाँ खड़ी होती है तो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। माना जाता है कि जो बंदे की किडनी छोटी वय में भी परेशान है, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस है या नेफ्रॉन्स की कोई बीमारी है, तो उनको छोटी उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। पांचवा कारण जो है वो वैज्ञानिक बताते हैं कि हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी यानी कि माताजी या पिताजी से अपने को वारसा में मिला होता है, तो इसका कोई इलाज नहीं होता है। और वो बंदे को प्रेशर नापने के टाइम पे चिकित्सक टेंशन में आ जाता है कि बंदे का प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों है, और वो जब इसकी हिस्ट्री टेस्ट करता है तो ना इसको इमोशनल स्ट्रेस मिलता है, ना हार्ट, किडनी और लीवर में कोई परेशानी मिलती है, तो वो बंदा सोच लेता है कि ये इसको शायद हेरिडेटरी प्रेशर की वजह से परेशानी होती है। प्रेशर उसको एलोपैथी के अंदर हार्ट डिजीज के अंतर्गत लिया गया हुआ है, और 80-90% मरीजों में उनकी जो आयु है 50+ होती है तभी मतलब हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू रहती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवाई लेना भय भी है, भय की वजह से वो लेनी पड़ती है, क्योंकि यदा कदा इमोशनल स्ट्रेस आ जाए, हार्ट, लीवर, किडनी में फंक्शनल कोई डिस्टर्बेंस हो, और तो ब्रेन में अगर छोटी कैपिलरी ब्रेक हो जाती है, हेमेटोमा बन जाता है, तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, और किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो सावधानी या प्रिकॉशन के तौर पे एलोपैथी वाले बंदे जो है वो हिदायत देते हैं कि भाई प्रेशर की गोली तो आपको बंद करनी नहीं है। इस तरफ जो बंदा है गोली खाने वाला वो भी मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भाई पूरी लाइफ दवाई खानी है तो इसका इलाज क्या करे, तो फिर वो जाके आयुर्वेद की तरफ रुख करता है। अब आयुर्वेद की जो संहिताएं है या संग्रहगत है उसके अंदर सीधा सीधा ये उच्च रक्तदाब ऐसा कोई शब्द भी नहीं है, या हाइपरटेंशन से कोरिलेशन हो ऐसी कोई स्वतंत्र व्याधि भी नहीं है।
अनुक्त व्याधि के अंतर्गत लेते हैं और अनुक्त व्याधि जो है उसमें चरक का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 में जो रक्तगत वात के है उसके साथ सम्मिलित होते हैं। हालांकि रक्तगत वात के जो भी लक्षण हैं संहिता उक्त वो उतने उसमें मेल में नहीं आ रहे। दूसरी बात है, कोई कोई विद्वान इसको रक्त आवृत वात मानते हैं। पूरे बदन में जो खून घूमता है तो वायु का जो एक प्रकार है व्यान वायु, तो व्यान वायु की वजह से ये शरीर में सारी चेष्टाएँ होती रहती है और ये जो खून घुमाने की बात है वो उसको कोरिलेशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रक्त आवृत वात, जब रक्त है वो वायु से आवृत हो जाता है तब ये हाई ब्लड प्रेशर के चिन्ह दिखाई देते हैं। और संहिता के अंदर जो जो भी लक्षण अधिकांश हाइपर टेंशन वाले बंदे को मिलते हैं, तो एक बात स्वीकृत है। दूसरी बात है कि जो आयुर्वेद के खैर खां हैं, जो अति चिंतन करने वाले बंदे हैं, वो वायु के जो पांच प्रकार है उसके परस्पर आवरण, जैसे प्राण आवृत व्यान, उदान आवृत व्यान और समान आवृत व्यान, अपान आवृत व्यान, उसकी माइक्रो संप्राप्ति बना के इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और काफ़ी हद तक वो सफल भी होते हैं। पर ये लोकमुख्य श्रेणी का प्रवचन है तो उसमें ज़्यादा छनावट नहीं करेंगे। डीपली थिंकिंग बहुत सारी परेशानियों को खड़ा करती है तो उसको अपन छोड़ देते हैं। रफली कैलकुलेट करें अपन या आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो जो बंदे की मानसिक प्रकृति तम प्रधान है और शारीरिक प्रकृति क प्रधान है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस होने की संभावना ज़्यादा है, या फिर समझ लो कि स्थूल रोगी है तो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बनने का संभावना बनती है। उसी तरह जो बंदे की मानसिक प्रकृति रजस प्रधान है और शारीरिक प्रकृति वात प्रधान है तो उसको बड़ी उम्र में हाइपर ब्लड प्रेशर की परेशानी होने की संभावना है। अब जैसा कि पहले बताया कि भाई जिसकी तम मानसिक प्रकृति है और कफ शारीरिक प्रकृति है तो उसको 50 की उम्र से पहले यानी कि छोटे वयकाल के अंदर ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। एक हाइपोथीसिस है, कहीं संहिताओं में लिखा नहीं है कि भाई ऐसा हो सकता है, बाकी एक ये अनुभूतजन्य या फिर एक वैद्य का चिंतन है और कुछ नहीं है। चलिए, अभी एलोपैथी के अंदर हमने आगे बात किया कि हाई ब्लड प्रेशर जो चीज़ है वो हृदय रोग के अंतर्गत इसका डिस्कशन और ट्रीटमेंट वगैरह की बातें आती है। आयुर्वेद में कहाँ आती है, जैसे हमने अभी बताया कि भाई रक्तगत वात और रक्तावृत वात ये दोनों के अंदर इसका समन्वय किया जा सकता है। पर बहुत पुराने और संशोधक जिज्ञासु जो डॉक्टर्स या वैद्य की किताबें हैं उसमें मैंने पढ़ा तो मेरे को एक बात जची कि उन लोगों ने जो ये हाई ब्लड प्रेशर का विवेचन किया है वो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जरा व्याधि है और आधुनिक दृष्टिकोण से भी इसका समन्वय बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद छोटी छोटी जो धमनियाँ होती है यानी कि कैपिलरीज होती है इसके मस्कुलर लेयर के अंदर स्क्लेरोसिस की प्रक्रिया बनती है, यानी कि धमनी काठिन्य होने शुरू हो जाता है और धमनी काठिन्य की वजह से उसकी जो इलास्टिसिटी होती है या रिकॉइल के टाइम पे जो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर का एक सीधा कारण बन जाता है। इसी तरह जो वापस सिस्टोलिक प्रेशर के लिए सिराओं का काठिन्य भी इतना ही जिम्मेदार होता है। तो सीधी बात हो जाती है कि जरा रोग के अंतर्गत आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हाइपर टेंशन को लेना चाहिए। अच्छा, हमारे चरक संहिता के अंदर चिकित्सा स्थान की शुरुआत रसायन चिकित्सा से की गई है और उसके बाद वाजीकरण चिकित्सा की गई है। तो जरा रोग के अंदर या जरा रोग की चिकित्सा करनी है तो रसायन चिकित्सा उसका मतलब ऑथोरिटी बनती है और इसी प्रकार वैद्य के पास आने वाले हाइपर ब्लड टेंशन वाले जो मरीज होते हैं उनके अंदर बाकी सब बातों को छोड़ के रसायन चिकित्सा के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। रसायन चिकित्सा के अंदर हरितकी यानी कि गुजराती में इसको बोलते हैं हरडे, आमलकी, आमला, त्रिफला, शिलाजीत, अर्जुन, ब्राह्मी के तीन प्रकार होते हैं। अभी कौन सा सही है उसके बारे में कुछ ज़्यादा निर्णय नहीं हो पाया है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और मंडूपर्णी ये मेद्य रसायन है और इसका असर सीधा सीधा हाइपोथैलेमस और फ्रंटल लॉब के जो भाव नियंत्रक यानी कि इमोशन कंट्रोल करने वाले सेंटर पे भी काम करता है। उसके साथ साथ अर्जुन है, लहसुन है, बल्ला तक है और पीपर है। तो ये सारे रसायन द्रव्य है, इसका बुरी प्रयोग चिकित्सा में करना चाहिए जिससे सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिलता है और कभी कभी चिकित्सक और उसके मरीज का नसीब बढ़िया होता है तो हमेशा के लिए हाइपरटेंशन की दवाई खाने से निजात मिल जाती है, उसको बाद में खानी नहीं पड़ती है। एक बहुत जानी मानी दवाई है सर्पगंधा, राउल फिया सर्पेंटिना। 1952 के अंदर इसका जो अल्कोलाइड था डेसरपिन तो उसकी शोध की गई। सर्पगंधा का जो मूल होता है उसका जो चूर्ण होता है उसको 250 मिलीग्राम की टैबलेट्स के रूप में बाजार में अवेलेबल है, तो ये टैबलेट दिन में 3 दफ़ा ली जा सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जो सुनने वाले बंदे हैं, जो चिकित्सक नहीं है और मरीज है, उनको सीधा सीधा ये गोली का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो गोली है उसका लंबे वक्त तक आप उपयोग करते हो तो उदासीनता भी आती है, कभी कभी आत्महत्या का ख्याल भी आ जाता है और पेप्टिक अल्सर भी बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ
खुद लेने से हमेशा सेफ रहेगी। अच्छा तो ये है कि आपके नज़दीकी कोई भी फैमिली फिजिशियन जो आयुर्वेद के बारे में अच्छी तरह नॉलेज रखते हैं, या फिर आपके जाने माने शहर के जो वैद्यराज हैं उनसे आप मिलिए और उनके हिसाब से पूरी आपके शरीर की और आपके रोग की तासीर चेक करवाइए और उसके हिसाब से दवाई लेनी चाहिए। तो बात हो रही थी सरगंधा की, तो सरगंधा का मूल का जो चूर्ण होता है वो आधुनिक रिसर्च के अंदर जांचा गया है, परखा गया है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम और वासोमोटर के ऊपर उसका सामक प्रभाव पड़ता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम पे भी उसका अच्छा है। जो बंदे को एलोपैथिक दवाई के चलते हुए भी डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं नीचे का रक्तदाब, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसको एक बार सरगंधा से ट्राई करना चाहिए, निश्चित ही उसमें फ़ायदा मिलता है। पर इसकी जो साइड इफेक्ट है, उदासीनता और पेप्टिक अल्सर, उसके बारे में मतलब ध्यान रहते रहना चाहिए। सरगंधा का जो मूल चूर्ण है वो दिमाग के अंदर एक खास प्रकार का एंजाइम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो पैदा होता है सेरोटोनिन, उसको भी मतलब कंट्रोल में लेता है और साथ साथ में नॉरएड्रेनालिन जो है उसको भी मतलब कंट्रोल करता है। तो ये इसकी आधुनिक रिसर्च के आधार पे जांची परखी हुई असर है। अब 1952 में जो रिसर्च पिन अल्कोलाइड्स पाया गया उसकी मात्रा बता दें, तो उसकी मात्रा जो है 0.25 मिलीग्राम से 0.5 मिलीग्राम तक मर्यादित है, पर ये होम्योपैथी में इस्तेमाल होता है और कोई कोई एलोपैथी दवाई में भी डाला जाता है। बहुत जानी मानी या OTC ओवर टू दी काउंटर पे आयुर्वेद के नाम पे बिकने वाली एक दवा है मुक्तासुक्ति। तो मुक्तासुक्ति वटी जो है वो भारत के जाने माने आध्यात्मिक गुरुओं ने पैदा की है और कहा जाता है कि भाई इसका असर भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आयुर्वेद के जो जानकार बंदे हैं अति भावुक, तो वो बंदे कहते हैं कि भाई अम्लपित्त भी हाइपरटेंशन का एक कारण बन सकता है। जो बंदे पित्त प्रकृति प्रधान है, जिनको अम्लपित्त और एसिडिटी दोनों अलग अलग बात है आयुर्वेद दृष्टिकोण से, फिर भी वो बोलते हैं कि भाई एसिडिटी जिसको रहती है तो वो मतलब ये मुक्तासुक्ति वटी का इस्तेमाल करे तो उनका पित्त और अम्लपित्त दोनों कंट्रोल में आ जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मुक्तासुक्ति वटी के भी परिणाम अच्छे हैं, पर उस जैसे जो चीज़ अच्छी है उसका अत्यधिक प्रयोग बिना सोचे समझे करने से परेशानी तो होती ही है। तो समझ लो कि भाई घी अमृत है, रसायन है, पर ज़्यादा खा लोगे तो फिर दस्त भी हो सकती है, मेद भी बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक रिक्वेस्ट भी है और आयुर्वेद के सम्मान में भी एक बात है कि ओवर टू द काउंटर बिना जांचे परखे आपको आयुर्वेदिक दवाई का सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो बंदे चिकित्सक है उनके लिए भी करबद्ध एक प्रार्थना है कि आयुर्वेद के मूलभूत चिकित्सा सिद्धांत के आधारित दवाई करनी चाहिए। आज के जो वैद्य है वो द्रव्य प्रदान या औषध, वो सीधा ही पूछते हैं कि भाई ये विकार है उसमें कौन सी दवाई लागू पड़ती है। आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई के अंदर लिखा हुआ है कि भाई 10वीं परीक्षा भाव, उसके बाद संप्राप्ति बनाइए, संप्राप्ति का विघटन कीजिए और दवाई कीजिए। तो इसमें आपका सम्मान भी बढ़ेगा, श्री और धन की प्राप्ति होगी, आपके पास आने वाले जो मरीज हैं उनका स्वास्थ्य और धन दोनों फायदा में रहेंगे और निश्चित ही इस प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र का भी मान बढ़ेगा। आयुर्वेद तो हालांकि अनादि और शाश्वत है, उसको हम जैसे चिकित्सकों की वो कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें उसकी ज़रूरत है। तो जो शास्त्र अपना है उसको सैद्धांतिक रूप से अपन आगे बढ़े। और कोरोना काल में आयुर्वेद की बहुबाला या प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है, जो एक कुदरत ने हमको एक ग्रैंड चांस दिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों सुनने के लिए। लास्ट में एक बात बता दें, जो बंदे को हाइपर ब्लड प्रेशर की परेशानी से जूझ रहे हैं और मैंने जो 5 कारण बताए उसमें एक हेरिडिटरी वाला कारण तो ज़्यादा मेडिसिन की वो नहीं रखता है, पर बाकी के जो 4 कारण हैं उसमें भी 3 कारण जो है किडनी हार्ट और लीवर का फंक्शन आपका मतलब डिस्टर्ब है और उसकी वजह से आपको मतलब हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, उसकी कोई भी ना कोई आप दवाई खा रहे हो, चाहे आयुर्वेद खा रहे हो, चाहे एलोपैथी खा रहे हो, चाहे और कोई पद्धति की खा रहे हो, फिर भी उसके साथ आप मतलब ऐसे कार्य करें जैसे आपका मन प्रसन्न रहे, शांत रहे। आप ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन ये सब भी कर सकते हैं, जैसे जिससे आपकी जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम है वो स्टिम्युलेट रहेगी और अचानक से सिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम जो उत्तेजित हो जाती है तो उसको कंट्रोल कर लेगी। और ऐसे भी धीरे धीरे माना ही गया है या लगभग स्वीकार भी लिया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर का मेन मुख्य कारण जो है वो भावनाएं हैं। तो भावनाओं को कंट्रोल में करने के लिए धीर और ध्रुति यानी कि बुद्धि और धारणा शक्ति दोनों की ज़रूरत होती है और वो दोनों फैक्टर जो है वो मस्तिष्क या मन के ऊपर आधारित होते हैं। तो नित्य जीवन के अंदर आप योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये करना थोड़ा मुश्किल है या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो आपको जो प्रतिदिन आपकी जो भी रुचि है उसके अंदर जो भी प्रवृत्तियाँ हैं जैसे गार्डनिंग है, साइकिलिंग है या कोई खेल है, जो भी है वो आप करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।